हेलो गाइज, तो यहाँ हम लोग सीखने जा रहे हैं अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर है। जनरली मैं जहाँ भी इंटरव्यू लेने या वाइवा लेने जाता हूँ और वहाँ पे बच्चों से पूछो कि बताओ भाई आपको अर्थिंग का मतलब क्या होता है और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, तो लोग नहीं बता पाते हैं और इसके कारण जो है सो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं आपको। और तो यहाँ पे मैं दोनों के बारे में आपको स्पष्ट बताऊंगा भी, पहला चीज। और दूसरा चीज है कि एक प्रैक्टिकल मॉडल जो है वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अर्थिंग कहाँ पे है और न्यूट्रल कहाँ पे है, और इन दोनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इन दोनों चीजों को खास करके अर्थिंग को ज्यादा तरीके से समझना पड़ेगा और न्यूट्रल को भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जो जीरो है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल जो हम लोग सर्किट में यूज करते हैं, ध्यान से सुनना आप बात को, बहुत ही गौर से, और एक बार समझ लोगे तो बार बार दिक्कत नहीं जाएगी आपको। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल है। कोई व्यक्ति बोलता है कि ना इधर है ना उधर है, जीरो है, बीच में है, तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल जो है वह सर्किट को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कि मान लीजिए कि कोई भी सर्किट है तो लोड से सोर्स तक जो पावर की सप्लाई कंप्लीट नहीं होगी तो वहां पावर का फ्लो नहीं होगा। तो न्यूट्रल का हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्किट को पूरा करने के लिए। अब यहाँ ध्यान से समझना इस बात को कि सर्किट को पूरा करने के लिए न्यूट्रल का यूज होता है। दूसरा चीज ये है कि न्यूट्रल में वोल्टेज जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो लोड से, जहां लोड से आप सोर्स को कनेक्ट करोगे तो सोर्स से लोड मतलब पावर के सोर्स से लोड तक वोल्टेज तो रहेगा, लेकिन जैसे ही आप सोर्स जो आपका इक्विपमेंट है वहां से सोर्स तक आओगे, न्यूट्रल के साइड में जाओगे, तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो इसका मेन जो काम है वह क्या है? तो सर्किट को कंप्लीट करना है, सिंपल। तो कोई आपसे पूछता है कि न्यूट्रल का काम सुरक्षा प्रदान करना है क्या? तो बिल्कुल ही नहीं है, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा। न्यूट्रल का काम सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, न्यूट्रल का काम सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करना है। कोई भी सर्किट सोर्स से लोड और लोड से सोर्स तक के बीच में कनेक्शन को पूरा करना ही न्यूट्रल का काम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि अर्थिंग का उपयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, अब बात आती है, जैसे न्यूट्रल के उपयोग सर्किट को पूरा करने में सिर्फ और सिर्फ उपयोग होता है सुरक्षा में नहीं, वैसे ही अर्थिंग का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिए होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, तो जो आपका लोड है और जो सोर्स है, दोनों साइड से अगर मान लीजिए कहीं ओवर वोल्टेज हो रहा है, ओवर करंट हो रहा है, तो हमारा सिस्टम न फूंक जाए, किसी कर्मचारी को करंट न लग जाए, तो जो भी ओवर वोल्टेज या ओवर करंट होगा उसको धरती में ले जाने के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। और सोर्स से या लोड से कनेक्शन जो होता है वह क्या करते हैं, सीधे अर्थ में भेज देते हैं, धरती में भेज देते हैं। कि जैसे ओवर करंट ओवर वोल्टेज होगा तो वो सिस्टम बच जाएगा, आदमी हमारा बच जाएगा, और वो वोल्टेज जो ज्यादा है या करंट जो ज्यादा है वो सीधे धरती के अंदर चला जाएगा। इसलिए इसका नाम जो है वो अर्थिंग है और दूसरा नाम जो है न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब वोल्टेज नहीं है, वहां पे सर्किट को पूरा करने में यूज हो रहा है, और अर्थिंग में यहाँ पे वोल्टेज भी है, करंट भी है, और यहाँ पे ओवर वोल्टेज और ओवर करंट होने पे ही इसमें लगेगा, जनरली करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको इसको अर्थिंग नहीं करते हैं तो आपका सिस्टम फूकने में भी देर नहीं लगेगा। अब ये क्लियर है। अब दूसरा एक चीज आता है कि यहाँ पे सुरक्षा के लिए हम लोग इसका उपयोग कर, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वह सुरक्षा का ही है। अर्थिंग सिर्फ सुरक्षा के लिए होता है और न्यूट्रल जो है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए होता है। न्यूट्रल सुरक्षा के लिए नहीं होता और अर्थिंग सुरक्षा के लिए होता है। अब आपके पास में एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा, गर्मियों के दिनों में आप देखना कि आपके घर में करंट रिटर्न आने लगता है। तो रिटर्न आने का कारण सबसे बड़ा जो होता है, पहला चीज है कि न्यूट्रल डिस्टर्ब हो जाना। तो जैसे ही न्यूट्रल डिस्टर्ब होगा तो सर्किट, ध्यान रखना, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, तो जहां सर्किट इनकम्प्लीट होगा वहां पे वोल्टेज आके खड़ा हो गया। और जैसे ही आप छुओगे तो आप उसके सर्किट कंप्लीट कर रहे हो, आप अर्थिंग कर रहे हो, वहां से करंट का फ्लो हो जाएगा, आपको करंट लग जाएगा। तो गर्मी के दिनों में न्यूट्रल डिस्टर्ब होता है, अर्थिंग, न्यूट्रल भी डिस्टर्ब होता है और अर्थिंग भी डिस्टर्ब होता है। न्यूट्रल इसलिए डिस्टर्ब होता है क्योंकि कहीं से ज्यादा हीटिंग करंट जल जाएगा,
तो वहां वोल्टेज आके खड़ा हो गया, अर्थिंग इसलिए डिस्टर्ब हो गया कि वाटर लेवल नीचे चला गया। तो जब वाटर लेवल नीचे चला जाता है गर्मियों के दिनों में, तो आपका अर्थिंग भी डिस्टर्ब है, न्यूट्रल भी डिस्टर्ब है, दोनों केस में जब आप छूओगे तो वहां रिटर्न करंट आते हुए आपको दिखेगा। तो ये यहाँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बरसात के दिनों में क्या होता है, यहाँ पे भी रिटर्न करंट आता है। बरसात के दिनों में रिटर्न करंट आने के कारण क्या होता है कि जहां जहां मॉइस्चर रहता है बारिश के कारण, मॉइस्चर में जो है सो करंट फ्लोइंग मीडियम बन जाता है। तो भले दूर से आपको करंट फ्लो हो रहा है लेकिन मॉइस्चर करण आपको यहां तक आ जाएगा। इसलिए आईसी जो कंप्यूटर का आईसी होता है वो काम करना कम कर देता है, क्योंकि वहां लीकेज करंट होने लगता है, इसलिए उसको साफ करके लगाना पड़ता है बार बार। कारण क्या रहता है कि लीकेज करंट होगा तो वो सही से फंक्शन नहीं करेगा, माल फंक्शन करेगा। तो यहां पे मैंने अर्थिंग, न्यूट्रल और रिटर्न करंट के बारे में आपको बताया। रिटर्न करंट कुछ नहीं है, रिटर्न करंट मतलब हमने सोर्स से, देखिए हमने क्या किया है, सोर्स से लोड की तरफ करंट भेजा है, उसके बाद उसमें सर्किट में जीरो करंट है, कम करंट है या फिर जीरो वोल्टेज है, लेकिन जैसे ही वो सर्किट डिस्टर्ब होगा तो वहां आके वोल्टेज खड़ा हो जाएगा। जितना हम भेजे हैं वोल्टेज उससे कम वोल्टेज वहां आके खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही आप टच करोगे तो आपको वो झटका मार देगा क्योंकि आप सर्किट कंप्लीट कर दिए। तो वहां अर्थिंग का कोई सेंस नहीं है क्योंकि अर्थिंग गड़बड़ है। अब यहां देखो आप 11 केवी के ट्रांसफार्मर है, यहां ऊपर से नीचे जो मैं दिखा रहा हूं यहां पे अर्थिंग है, व्हाइट वाला मोटा चौड़ा पट्टी दिख रहे हो ना, ये पोल के साथ लगा हुआ, ये ऊपर से नीचे आया हुआ, ये क्या है, ये अर्थिंग है जो एकदम नीचे तक गया है। देखो आप, वो ट्रांसफार्मर से ओवर वोल्टेज ओवर करंट होगा तो सिस्टम को बचाएगा और सीधे ये चला जाएगा। अब उसके बाद मैं दूसरा आपको मैं बताऊंगा, ये तो बॉक्स वगैरह हो गया, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर के ऊपर ब्रीदर लगा है और ये आपको कूलिंग टैंक वगैरह लगा है। अब इसमें जो न्यूट्रल होता है, अब उसको ऊपर देखना, ये देखो अब 5 वायर सिस्टम है, LT में ये दिख रहा है नीचे, ये न्यूट्रल है, ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लगाया गया है। 5 वायर सिस्टम को मैंने पहले एक्सप्लेन किया हूं, आप लोग जाके वो वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 5 वायर सिस्टम LT में क्यों लगाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि न्यूट्रल का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, लोड साइड करेंगे, सोर्स साइड नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल का उपयोग जहां पे पावर जनरेशन हो रहा है वहां नहीं होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वहां न्यूट्रल का उपयोग होता है, ठीक है। अर्थिंग का उपयोग आप सोर्स से लेकर के लोड तक करते हो, न्यूट्रल साइड हम लोग जो है सो लोड साइड न्यूट्रल का उपयोग करते हैं क्योंकि वहां पे हमें रिटर्न करंट की जरूरत रहती है। सिंपल हो गया, न्यूट्रल का उपयोग करोगे लोड साइड में, जहां डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगा वहां न्यूट्रल का उपयोग होता है, और जहां पे ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे पावर जनरेशन होने से लेकर के लोड तक हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं, लेकिन न्यूट्रल का जब भी उपयोग करेंगे तो वो कहां करेंगे, तो न्यूट्रल को